कटनी जिले की मुड़वारा स्टेशन से पुलिस कोतवाली ने वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यापारी की कार से 5 लाख की नकदी बरामद की है। 100 और 500 है जो कि व्यापारी दुकान से अपने घर जा रहा था। चूंकि व्यापारी पर कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं थे, इसलिए पुलिस ने इन रुपयों को जब्ती में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के हर चौराहे व सीमा से लगे थानों में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार्यक्रमक MP21 को 7218 को रोककर चेकिंग की तो ड्राइवर सीट के नीचे एक प्लास्टिक की बोरी में नकदी रुपए मिले। जब इन रुपयों की गिनती की गई तो 5 लाख रुपए मिले। इस संबंध में कार में सवार व्यक्ति को है या लाल केलवानी निवासी माधव नगर से पूछा गया तो उसने बताया कि वह फल व्यापारी है और गुल बाजार दुकान से पूरे दिन की वसूली और बिक्री की रकम लेकर घर जा रहा था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। चूंकि तुरंत में कोई दस्तावेज नहीं थे, बहरहाल इसलिए थाना प्रभारी ने इस नकदी व कार को जब्त कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है कि लगातार आदर्श आचार संहिता के चलते हर दिन नकदी और सोने चांदी के जेवरात सहित वाहन जब्त हो रहे हैं, जिस कारण व्यापारियों में दहशत का माहौल निर्मित है। कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जो थोक फल विक्रेता हैं, इनके पास से नकदी 5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जिसका उन्होंने मौके पर कुछ युक्तियुक्त जवाब नहीं दे पाया है कि किस लिए वो नकद राशि रखे हुए थे। तो रासात की गई है और भविष्य में जब वो जवाब देंगे शासन को तो उनको जो भी उचित व्यवहारिक निराकरण होगा वो शासन द्वारा किया जाएगा। हाँ, ये अभियान जारी है। कल भी करीबन 1,44,000 रुपये जब्त किए गए थे। इसके पूर्व भी फ्लाइंग स्क्वाड जो टीम लगी है आयोग के निर्देश पर शहर के विभिन्न स्थानों पर नाकेबंदी चल रही है और लगातार नकदी रकम जब्त की जा रही है। ताकि अवैध शराब और कुछ हथियार भी बरामद किए गए। आम व्यक्ति हाँ, अभी तत्काल में वो कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसीलिए उनको जब्त किया गया। सर कहाँ पे पकड़ी गई? मुड़वारा रेलवे स्टेशन के सामने वाहन चेक पॉइंट था पुलिस। कितने बजे सर?